तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यहां सामने देख रहे हैं ये J7 Pro मोबाइल है और ये मोबाइल जो है सऊदी अरब से आया हुआ है और इस मोबाइल में FRP लॉक है और इस मोबाइल का FRP अनलॉक करना है हमें अपने UMD डोंगल से। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि UMD डोंगल से इसका FRP अनलॉक कैसे होगा तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ये एक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल UMD डोंगल का ये टूल है, अल्टीमेट मल्टी टूल। इस टूल को हम ओपन करेंगे इस सैमसंग J7 Pro को FRP अनलॉक करने के लिए। तो चलिए हम अपने इस टूल को पहले ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सैमसंग मेथड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। सैमसंग टूल को हम जो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, सैमसंग टूल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे सैमसंग का जो FRP टूल है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पोर्ट सेलेक्ट करना है, पोर्ट पर क्लिक करना है और मोबाइल को जो हमें ऑन करके लगा देना है। मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर नहीं ले जाना है, डायरेक्ट मोबाइल को ऑन करके हमें लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद इसका पोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पे आप मेथड देख रहे हैं यहाँ पे ADB FRP मेथड, ठीक है। तो ADB FRP मेथड से भी आप अनलॉक कर सकते हैं लेकिन इस मॉडल में जो है वर्क नहीं करेगा। और J7 प्राइम का अगर आप कर रहे हैं G610F का तो उसे रिसेट FRP ADB पे आप ट्राई कर सकते हैं या आप न्यू मेथड पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मोबाइल को अगर आपको अनलॉक करना है J7 Pro को, इसका मॉडल नंबर आपको बता दूं दोस्तों मैं, इसका J730F, ठीक है। ये विदेश का फ़ोन है, सऊदी अरब का, इसका मॉडल नंबर J730F है। तो इसका अनलॉक करने के लिए हम इसे जो यहाँ पे न्यू FRP मेथड सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ से इसे रिसेट FRP दे देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने जो है डायरेक्ट रिसेट FRP पे क्लिक किया उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा और इसका जो है FRP जो है यहाँ पे रिसेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है तो ये तरीका J7 Pro और J7 Prime में जो है ये काम करेगा। और J7 Prime में अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली जो है रिसेट FRP ADB पे क्लिक करके जो है FRP रिसेट कर सकते हैं विदाउट कम्बिनेशन फाइल, ठीक है। और ये तरीका आपका J7 Prime और J7 Pro ये दो मॉडल में आपका जो है काम करेगा। और अगर आपका J7 Prime में अगर ये तरीका अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली जो है रिसेट FRP ADB पे चेक लगा करके डायरेक्ट FRP रिसेट कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि J7 Pro का ये मॉडल है और इस मॉडल में ये जो तरीका है बिल्कुल यूज़ हो रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है ये तरीका, और इसका FRP अनलॉक यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको आगे थोड़ा सा और बताने वाला हूँ कि मान के चलिए अगर आपके पास सऊदी अरब का फ़ोन है और उस फ़ोन में उसमें जो है LTE आ रहा है, वोल्टी नहीं आ रहा है। वोल्टी ना आने का मतलब ये होता है कि आपको मोबाइल को अगर जो इंटरनेट है उसे आपको ऑन करके डाटा को जो है आपको इनेबल करके ही आप उस मोबाइल से बात कर सकते हैं और जियो वॉइस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप उससे बात कर सकते हैं, आउटगोइंग इनकमिंग आपका जो है उस मोबाइल में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डाटा ऑन नहीं करते हैं और जियो वॉइस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते हैं मोबाइल में, ठीक है, सऊदी अरब के फ़ोन में, तो उसमें आपका जो इनकमिंग और आउटगोइंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वोल्टी जो है नहीं आता है, ठीक है। तो उसे वोल्टी कैसे लाएंगे तो मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो विदेश के फ़ोन को आप इंडियन फ़ोन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।